हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास सिक्स के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं, और रिवीजन में सेकेंड चैप्टर हमने लिया है सॉर्टिंग मटीरियल्स इंटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। ये चैप्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो जैसे आपको चैप्टर से ही समझ में आ रहा है कि क्या की जा रही है, सिंपल सी बात है, छटनी की जा रही है वस्तुओं की, पदार्थों की, सामानों की, और छांट करके क्या कर रहे हैं, उनको अलग अलग समूहों में विभाजित किया जा रहा है, यानी अलग अलग ग्रुप्स में उनको रखा जा रहा है। और ये जो आप उनको छांट रहे हैं, ये किस तरह से छांट रहे हैं, उनमें जो अलग अलग भिन्नताएं हैं उनके आधार पर छांट रहे हैं, और एक समूह में जितने वस्तुओं को आप रख रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ समानताएं हैं जिसके आधार पर आप उनको एक समूह में रख रहे हैं। ओके, तो इस तरह से चैप्टर में आपने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात की थी, यानी वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आपने कहा था मैम वस्तुओं को उनकी उनमें जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं या सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, यानी समान गुण हैं, उनके आधार पर जब हम एक समूह में रखते हैं या एक दूसरे से अलग करते हैं तो इसी को क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों होती है? हम ऐसे भी तो अलग अलग वस्तुओं के बारे में पढ़ सकते हैं, क्यों हमें कुछ वस्तुओं को एक ग्रुप में रखना पड़ रहा है या कुछ वस्तुओं को दूसरे वस्तुओं से अलग रखना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए आवश्यक है ताकि हम किसी भी चीज की एक सिस्टमैटिक स्टडी कर सकें, एक क्रमबद्ध अध्ययन प्राप्त कर सकें हम किसी के भी बारे में, किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ के बारे में। इसके अतिरिक्त आप किसी भी चीज के बीच में, किसी भी अलग अलग वस्तुओं के बीच में डिफरेंस का पता लगा सकते हैं, और इससे आपकी समय की भी बचत होगी। ठीक है, तो इसलिए आपका क्लासिफिकेशन नेसेसरी होता है। ठीक है, सो ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू हैव अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स, हैव अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप, यानी एक ग्रुप में आने वाले जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, उन सभी के बारे में आपको एक जनरल आइडिया मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ वस्तुएं थी आपके पास जिनको आपने दो ग्रुप्स में बांटा, और किस आधार पर बांटा, उनकी शेप के आधार पर बांटा, यानी दोनों में क्या था, एक रेक्टेंगुलर शेप के थे, दूसरे सर्कुलर शेप के थे, तो आपने उनको अलग अलग विभाजित कर दिया। एक ग्रुप में आपने जो रेक्टेंगुलर थिंग्स थी उनको रखा, एक में आपने किसको रखा, जो सर्कुलर थी। ओके, तो इस तरह से, तो आप कह रहे हो एक ग्रुप में, ये जो आपका एक ग्रुप है इसमें जितने भी मेंबर हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जैसे आप शेप की बात कर रहे हो, इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं जिसमें आप शेप की बात कर रहे हैं। ओके, क्लासिफिकेशन जिसे हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है, वर्गीकरण का अर्थ होता है वर्गों में विभाजित करना, वर्ग का मतलब है एक ग्रुप, समूह। तो आप जैसे वर्गों में विभाजित है अलग अलग, कुछ बच्चे सिक्स क्लास के एक वर्ग में है, कुछ सेवेंथ में है, कुछ एट्थ में है, कुछ नाइन्थ में है, तो क्यों है ये अलग अलग वर्गों में विभाजित? सारे स्कूल को एक ही साथ क्यों नहीं पढ़ाया जाता, बताओ? देखो, सिक्स क्लास में जो बच्चे हैं, एक ग्रुप है पूरा, उसमें लगभग सबकी आयु समान होगी, हाइट सबकी समान होगी, मानसिक स्तर सबका समान होगा, चीजों को समझने का जो वे है वो सबका एक जैसे होगा, लगभग औसत जो हम बात करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सेवेंथ में भी ऐसा ही होगा, एट्थ में भी ऐसा ही होगा, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, सारी क्लासेस में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो हमने क्लासिफाई कर दिया है बच्चों को उनकी एज के बेस पर, आयु के आधार पर, उनके मानसिक स्तर के आधार पर। इसी तरह से अगर आप सिक्स क्लास का एक ग्रुप लेते हैं, जैसे इसमें क्या लिखा गया है, हैव अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप, यानी अगर हमें पूरी सिक्स क्लास के बच्चों के बारे में एक जनरल आइडिया लेना है तो वो क्या हो गया कि हाँ इनकी आयु लगभग इतनी है, सब इस औसत आयु में आते हैं, इनकी हाइट लगभग इतनी है, सबकी समान है, और इनका मानसिक स्तर भी इतना है, यानी कि इनको ये टॉपिक समझ में आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये लोग क्लासिफिकेशन को समझेंगे। ओके, वहीं पर अगर हम ट्वेल्थ क्लास में की बात करते हैं तो सिक्स और ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट के बीच में एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एज का डिफरेंस हो, हाइट का डिफरेंस हो, फिजिकल में जो अपीयरेंस है उसमें डिफरेंस आएंगे आपके, इसके अलावा उनके मानसिक स्तर में भी एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये क्लासिफिकेशन को वो ट्वेल्थ क्लास में बहुत अच्छे से और तरीकों से पढ़ चुके हैं, अलग अलग टॉपिक्स का को वहां पर क्लासिफाई कर चुके होंगे। ओके, तो इस तरह से वहां पर भी क्लासिफाई किया गया है, स्टूडेंट्स को क्लासिफाई किया गया
है आप कहेंगे अलग अलग क्लासेस में, ओके। इसी तरह से यहाँ पर हम पदार्थों को क्लासिफाई करते हैं यानी वर्गीकृत करते हैं उनकी समानताओं के आधार पर। वो समानताएं क्या हैं जो उनमें प्रॉपर्टीज हैं, गुण उनमें पाए जा रहे हैं उनकी हम बात करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला गुण लिया था लस्टर या अपीयरेंस का। सबसे पहले तो क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी वस्तु होगी, तो उसको हम देखेंगे देखने में वो वस्तु कैसी प्रतीत हो रही है। तो देखने में वस्तु कैसी लग रही है, या तो वो चमकदार होगी या वो चमकदार नहीं होगी, ठीक है। तो इस आधार पर दो ग्रुप बना लेंगे। आपके पास बहुत सारी वस्तुएं थी, अब आप उनको देखेंगे कि इसमें जो जो चमकदार है इनको मैं एक साथ रख लेता हूँ, जो जो चमकदार नहीं है उनको मैं एक साथ रख लेता हूँ, क्लियर। तो दो ग्रुप्स बन गए आपके, किस आधार पे, उनकी चमक के आधार पर, जिसको आप लस्टर कहते हैं, जिसे आप आभा भी कहते हैं, ठीक है। तो एक आभा होती है कुछ पदार्थों में, चमकदार होते हैं वो चमकते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चमकते नहीं है, जिनको आप क्या कहते हैं कि ये डल है अपीयरेंस में। तो इस आधार पर वस्तुओं के समूह बनते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यानी पदार्थों के गुणों में हमने सबसे पहला गुण लिया आपका लस्टर अपीयरेंस का। यू मे नोटिस दैट मैनी थिंग्स शाइन दैट इज दे हैव अ लस्टर। आपने नोटिस किया होगा कि कई सारी वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें एक शाइन होती है, अपनी नेचुरल शाइन, पॉलिश्ड वाली शाइन नहीं कि आपने पॉलिश कर दी वो शाइनी सरफेस हो गया, उनमें एक नेचुरल शाइन होती है। जैसे आप गोल्ड की बात करते हैं, सोना चमकता है, ठीक है। आप सिल्वर की बात करते हैं, चांदी, वो भी चमकता है, प्लेटिनम हो गया, इसके अलावा एल्यूमिनियम है, आयन है आपका, ये सारी क्या होती है, धातुएं होती हैं और चमकती हैं, ठीक है। तो इनमें एक अपीयरेंस है अपना जो कैसा है, लस्टरस है, ओके। इसके अलावा कुछ चीजें होती है जो चमकती नहीं है, जैसे आप कोयले को देखें तो वो चमकता नहीं है, लकड़ी की बात करते हैं तो वो भी चमकता नहीं है। तो इस आधार पर दो ग्रुप बन गए, मटेरियल्स दैट शाइन आर कॉल्ड लस्ट्रस एंड दोज विच डू नॉट आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस, ओके। जो वस्तुएं या जो पदार्थ आपके चमकते हैं उनको क्या कहा जाता है, लस्ट्रस कहा जाता है या चमकदार कहा जाता है, और जो नहीं चमकते हैं उनको नॉन लस्ट्रस या गैर चमकदार आप लोग कहते हैं, ओके। चलिए, तो दिखावट तथा चमक के आधार पर वस्तुओं को समूहों में बांटना, सभी पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे आपको पता है, जैसे लकड़ी तथा लोहा दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। लकड़ी के अपने कुछ गुण हैं और लोहे के अपने कुछ गुण हैं। एक गुण के आधार पर आप दोनों को एक समूह में रख सकते हो, जहां पर आप क्या कहोगे कि दोनों ठोस अवस्था में, क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि चमक की बात कर रहे हैं तो उसके आधार पर हम देखेंगे। तो लकड़ी को आप देखेंगे या कोयला और सोने का आपने, यानी चार चीजें ले ली, क्या क्या, लोहा लिया, लकड़ी ली, सोना लिया और क्या लिया, कोयला लिया, चार चीजें आपके पास थी। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें आपकी चमक रही है। तो आप कहते हैं लोहा और सोना आपकी दोनों चमकदार है, तो इनको एक समूह में रख लिया। वहीं अगर आप लकड़ी और कोयले की बात करते हैं तो वो दोनों चमकदार नहीं हैं, उनको आप एक समूह में रखते हैं। तो लोहा तथा सोना में कुछ समानताएं हैं, उसी प्रकार लकड़ी तथा कोयले में भी कुछ समानताएं हैं। लोहे और सोने में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि लकड़ी और कोयले में ऐसी कोई चमक दिखाई नहीं देती है। वैसे पदार्थ या जैसे ऐसे पदार्थ जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है वो उनको धातु भी कहते हैं हम लोग, और यह चमक धात्विक चमक कहलाती है। जिनमें चमक नहीं होती है वे अधातु कहलाती हैं, लेकिन अधातुओं में आयोडीन ऐसी अधातु होती है जो चमकदार होती है, क्लियर। तो जो चमक रही है, चमक भी एक धातुओं का गुण है। जब आप धातुओं को पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि धातुएं क्या होती हैं, जैसे लोहा होगा, एल्यूमिनियम हो गया, हमने गोल्ड की बात की, हमने सिल्वर की बात की, तो ये सारा किसमें आता है, धातुओं में आता है, मेटल्स जिनको आप कहते हैं। तो इनमें एक प्रकार की क्या होती है, चमक होती है, लस्टर होता है, जिसको आप मेटेलिक लस्टर भी कहते हैं, ओके, यानी धात्विक चमक जिसे आप कह रहे हैं, ओके। समझ आया सभी को, इतना बोलो, हैंड रेस करिए समझ आया तो। कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, बहुत सारे वस्तुएं दे दी हैं, उनमें से देखना है किस किस में चमक है, उनको एक और रख लेना है, जिनमें चमक नहीं है उनको दूसरी साइड रख लेना है। तो दो समूह बन जाएंगे, एक चमकदार वस्तुओं का, जैसे आपने कहा लोहा और सोना हमारा चमकदार है तो उनको हमने एक साथ रखा है, लकड़ी और कोयला चमकदार नहीं है तो उनको हमने एक साइड रखा है, ओके। तो दो ग्रुप्स बन जाएंगे इस आधार पर, ओके। चलिए, तो ये पहला गुण था जहां पर आप चमक की बात कर रहे थे। सो ऑल मेटालिक सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी आपकी मेटल्स की बनती है, जैसे यूटेंसिल, जितने भी आपके बर्तन होते हैं, कटलरी हो गया,
वाटर टैप्स हो गए, पानी के नल होते हैं, जो डोर हैंडल्स हो गए, दरवाजे के हैंडल्स होते हैं, जो फ्लावर वासेस सारे आपके कैसे होते हैं, लस्टरस दिखाई देते हैं, चमकदार दिखाई देते हैं, एंड ऑन एक्सपोजर टू एयर इनका क्या हो जाता है, इन पर रस्ट की एक लेयर आ जाती है, यानी इन पर जंग लग जाता है, ठीक है ना, या टार्निश्ड हो जाते हैं, अपनी जो चमक होती है वो खो जाती है। लोहे पर आपने देखा होगा जंग लग जाता है, तो वही क्या है कि वो खराब हो गया। और कब जंग लगा, जब वो खुले में रखा हुआ था, जब वहां पर एयर है, मॉइस्चर है, तो आपका जो लोहा है वो अभिक्रिया कर रहा है मॉइस्चर से भी और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से भी, देन वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका रस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी सिंपल सी है, लस्ट्रस अपीयरेंस जिसको आप कहते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता जिसे कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता क्या है, अब आप क्या देखेंगे, पदार्थ को देखने में पहले चमकदार था या नहीं था, अब पदार्थ को देख रहे हैं, वस्तु को देख रहे हैं, क्या उससे आर पार दिखाई दे रहा है, इस आधार पर आप वस्तुओं के तीन ग्रुप बनाएंगे। पहले आपने लस्टर में या अपीयरेंस में कितने बनाए थे, दो, एक चमकदार होंगी एक चमकदार नहीं होंगी। यहां पर आपके तीन ग्रुप बनेंगे, कौन कौन से, एक आएंगे ट्रांसपेरेंट, एक आएंगे ट्रांसल्यूसेंट, एक आएंगे ओपेक। क्लियर? क्या क्या हुआ, पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी, तीन ग्रुप बनेंगे आपके। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, पारदर्शिता क्या होती है, किसी भी वस्तु को आप देख रहे हैं उस वस्तु से प्रकाश आर पार गमन कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही उसकी पारदर्शिता है। अगर वस्तु से प्रकाश आर पार जा रहा है तो वस्तु कैसी होगी, पारदर्शी होगी। जैसे कई सारे कांच या ग्लासेस, विंडो जो खिड़कियां होती हैं उनमें लगे हुए जो ग्लासेस होते हैं, कांच होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं पारदर्शी, उनसे आर पार दिखाई देता है। जैसे इस पिक्चर में आपको आर पार दिखाई दे रहा है, ये विंडो है, खिड़की है। दूसरे क्या होते हैं, जिनसे कुछ मात्रा में प्रकाश आर पार गमन करता है, तो उनसे हल्का हल्का दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो जैसे ये सेकंड वाला है, अल्प पारदर्शी या ट्रांसल्यूसेंट इसे कहा जाता है, तो यहां से हल्का दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर? कभी कभी पेपर पे ऑयल गिर जाता है तो उस पेपर, ऑयल लगे पेपर से भी आपको हल्का हल्का दिखाई देता है, यानी उससे प्रकाश कुछ मात्रा में गमन कर रहा है, यानी आर पार जा रहा है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो ओपेक होती हैं, जैसे आपकी क्लासरूम की वॉल हो गई, दीवार है, उससे आपको आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। आपके आगे लगी हुई जो डेस्क है, टेबल है, उस टेबल से भी आप ऊपर से देखेंगे तो आपको नीचे आर पार नहीं दिखाई देगा। क्लियर? तो ये क्या है, ये ओपेक है, ओपेक यानी अपारदर्शी जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर भी तीन ग्रुप बनेंगे, तीन समूह बनेंगे, जहां पर आप कहेंगे कुछ वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को अपने में से पूरी तरीके से गमन करने देती हैं, यानी जिनसे पूर्ण रूप से आर पार दिखाई देता है, तो वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शी। जिनसे हल्का हल्का या धुंधला दिखाई देता है, कम मात्रा में प्रकाश आर पार जा रहा है, उसको ट्रांसल्यूसेंट यानी अल्प पारदर्शी कहा जाता है, और जिससे बिल्कुल भी प्रकाश आर पार नहीं जा रहा है उसको ओपेक यानी कि अपारदर्शी कहा जाता है। क्लियर? तो ट्रांसपेरेंसी में आप इस तरह से तीन समूह बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल का और ओपेक मटेरियल्स का। ओके, सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स एग्जाम ग्लास एंड सम प्लास्टिक, कुछ कांच ऐसे होते हैं जिनसे पूरी तरीके से प्रकाश आर पार जाता है। क्लियर? और कुछ प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं जिनसे आर पार दिखाई देता है। अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू, ठीक है, वो अधिकतर पूरे प्रकाश को अपने में से गुजरने देते हैं, या ज्यादातर प्रकाश का भाग जो है उनमें से गुजर जाता है, इस वजह से उनसे आपको आर पार दिखाई देता है। दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास होते हैं, ऑयल पेपर होते हैं आपके, उनसे प्रकाश कुछ मात्रा में गमन कर पाता है, इसीलिए आपको धुंधला दिखाई देता है। और तीसरे हैं ओपेक मटेरियल्स, एग्जाम्पल वुड, कार्डबोर्ड, इनसे आपको आर पार नहीं दिखाई देता है, क्योंकि दे डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, ये अपने में से प्रकाश को गुजरने नहीं देते हैं। जब प्रकाश ही उनके आर पार नहीं जा पाएगा तो आपको दिखाई कैसे देगा, ठीक है ना। जैसे अंधेरा है, अगर रूम में, क्लासरूम में लाइट नहीं है, या आपका सनलाइट भी नहीं है, किसी भी प्रकार का लाइट का सोर्स वहां पर नहीं है, तो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो जब लाइट होगी तभी हमें दिखाई देता है। तो लाइट अगर आर पार जा रही है तो क्या है आपका, ट्रांसपेरेंट है। अगर कुछ मात्रा में जा रही है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट है। और अगर बिल्कुल भी प्रकाश गमन नहीं कर रहा है तो वो क्या है, ओपेक मटीरियल्स
होंगे, तो इस आधार पर भी तीन समूह बन गए। तो हम कर क्या रहे हैं, हम समूह बना रहे हैं वस्तुओं के अलग अलग गुणों के आधार पर। पहला गुण लिया था कि वस्तु चमकदार होगी या नहीं होगी, ये वाला है कि वस्तु आपकी कैसी है, ट्रांसपेरेंसी उसकी कैसी है, पारदर्शी है या नहीं है। क्लियर, इतना समझ आ गया सभी को? वेरी गुड। चलिए, तो ट्रांसपेरेंसी जिसको आप पारदर्शिता कह रहे थे, पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं के तीन समूह बनेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, तीन समूहों में बांटा जाएगा वस्तुओं को, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी। ठीक है, यहीं पर क्लियर कर लीजिए। पारदर्शी का मतलब पार हो जाना, जहां से आपको आर पार दिखाई दे रहे। अल्प का का मतलब होता है नहीं, जो पारदर्शी नहीं होगा, यानी जिससे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अल्प का मतलब होता है कम, जिससे कम या धुंधला दिखाई देगा, तो वो अल्प पारदर्शी, जिसको आप पारभाषक या पारभाषी भी कहते हैं, इसी को आपका क्या कहा जाता है, अल्प पारदर्शी भी आप इसको कहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, पारदर्शी को अच्छे से पढ़ लीजिए कि पारदर्शी क्या है, जिनसे आर पार दिखाई दे रहा है। क्लियर, अपारदर्शी, अ हिंदी में नहीं के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अपारदर्शी, जो पारदर्शी नहीं है, यानी जिनसे आर पार दिखाई नहीं दे रहा है। अल्प का मतलब क्या होता है, कम, सूक्ष्म जिसे आप कहते हैं, तो जिससे धुंधला या कम मात्रा में प्रकाश गमन कर रहा है और धुंधला आपको दिखाई दे रहा है, वो अल्प पारदर्शी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पारदर्शी हो गया, ट्रांसपेरेंट जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, ट्रांसल्यूशेंट यानी कि अल्प पारदर्शी, जैसे यहाँ पर आपको ये गाड़ी धुंधली दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, तो ये क्या है, अपारदर्शी यानी कि ओपेक होंगे। ओके, चलिए, तो पहला आ गया पारदर्शी या पारदर्शक वस्तुएं जिसे आप कहते हैं, दूसरा आपका अल्प पारदर्शी हो गया, और तीसरा है अपारदर्शी या अपारदर्शक वस्तुएं जिनको कहा जाता है। ठीक है, वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है वो क्या है, पारदर्शी हैं। जिनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, यानी कि धुंधला दिखाई देता है, वो कैसे हैं, पारभासी हैं। और अपारदर्शी कौन से, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। ओके, और इसी को आप क्या कह लेंगे, अल्प पारदर्शी कह लेंगे। क्लियर है, चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, अब आप पदार्थों को कंप्रेस करेंगे, संपीड़ित करेंगे, दबाएंगे उन्हें, और दबाने पर आपको क्या दिखता है, या तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो वो टूट रही हैं या नहीं टूट रही हैं, इस आधार पर आपके दो समूह बनेंगे। ओके, दो समूह कैसे होंगे, कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जो बहुत कठोर होंगी, जिनका आप आकार बदल नहीं सकते हैं आसानी से, उन पर फोर्स अप्लाई करके या उन पर प्रेशर अप्लाई करके। ओके, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो इजीली मॉडिफाई हो जाती हैं, यानी कि आसानी से जिनका आकार आप बदल सकते हैं, आकृति बदल सकते हैं, तो उनका एक ग्रुप बनेगा। तो इस आधार पर दो ग्रुप बनेंगे। हार्डनेस इसको कहा जाता है, तो हार्डनेस यानी कठोरता के आधार पर दो समूह बनेंगे। एक कठोर पदार्थों का समूह बनेगा, यानी कि हार्ड सब्सटेंसेस, हार्ड मटेरियल जिनको आप कहेंगे, और दूसरा बनेगा ऐसे सब्सटेंसेस और ऐसे मटेरियल्स का जो सॉफ्ट होंगी, जिनको आप इजीली क्या करेंगे, कंप्रेस कर पाएंगे या उनके आकार में, शेप में, साइज में किसी भी प्रकार का चेंज ला पाएंगे। ओके, तो यहां पर यू कैनॉट चेंज द शेप ऑफ अ हार्ड मटीरियल By pressing it or cut it easily, okay? आप आसानी से किसी भी कठोर पदार्थ का आकार नहीं बदल सकते, जैसे लोहा बहुत कठोर होता है ना, तो आराम से नहीं काट सकते उसको। ठीक है, उसको काटने में आपको थोड़ा प्रयास या थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसको आप हार्ड बोल सकते हैं।
या रॉक्स होती हैं आपकी, चट्टाने होती हैं, पत्थर होते हैं, तो ये भी कैसे होते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस में आते हैं, कठोर हैं ये भी, ठीक है। इनको भी आप आसानी से कट नहीं कर सकते, या फिर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि काट ही नहीं सकते या फिर इनका आकार बदल ही नहीं सकते, लेकिन हम कह रहे हैं आसानी से नहीं कर सकते, इजीली। जैसे आप इजीली कॉटन है आपके पास, रूई जिसे आप कहते हैं, उसको आप इजीली कंप्रेस कर लेते हैं, है ना। उसके अलावा आप बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं, स्पॉन्ज होते हैं आपके, उनको आप इजीली कंप्रेस कर जाते हैं, पिलोज होते हैं आपके घर में, वो भी एक प्रकार की कॉटन ही है आपकी, उनको आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये सारे आपके सॉफ्ट मटेरियल या सॉफ्ट सब्सटेंसेस में आएंगी। वहीं पर जिनको आप कंप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या जिनको आप संपीड़ित नहीं कर पा रहे, दबा नहीं पा रहे हैं, या जिनका आकार आप किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, जिनको आप आसानी से काट नहीं पा रहे हो, वो कैसे होंगे, हार्ड यानी कि कठोर होंगे, ओके। एंड इन कॉन्ट्रास्ट You can easily change the shape of a soft material. आप क्या करेंगे, आप आसानी से किसी soft material का shape जो है वो change कर सकते हैं, उसको stretch करके, खींच करके, उसको दबा करके आप उसके आकार में परिवर्तन ला सकते हैं, okay? You can also cut it easily. आप इसको आसानी से काट भी सकते हैं. Hard materials are used to make vehicles, machines and furniture. While soft materials are to be used to make clothing, okay? क्या होता है, जो hard substances होते हैं, hard materials होते हैं आपके, कठोर पदार्थ होते हैं, उनके क्या बनाए जाते हैं, vehicles बनती हैं, गाड़ियां बनती हैं, मशीनें बनती हैं, फर्नीचर बनता है आपका, इसके अलावा बहुत सारे सामान बनते हैं, ठीक है। जबकि जो आपका सॉफ्ट मटेरियल होता है, कोमल जिनको आप पदार्थ कह रहे हो, उनसे आपकी जैसे क्लोदिंग, हमारे कपड़े कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होता है ना, तो क्लोदिंग बनाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सॉफ्ट मटेरियल की बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी आप ग्रुपिंग करेंगे और दो ग्रुप बनेंगे, एक हार्ड सब्सटेंस का और दूसरा सॉफ्ट सब्सटेंसेस जो होंगे उनका। तो बहुत सारा सामान दे दिया है, अब देखिए उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगानी है। आपको लोहा भी दे दिया, आपको रुई भी दे दिया, आपको रबर दे दिया है, इसके अलावा आपको पत्थर दे दिए हैं, ईंटें दे दी हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ पदार्थ ऐसे लग रहे हैं जो कठोर हैं, इनको मैं एक साइड कर लेता हूं, और कुछ ऐसे हैं जो सॉफ्ट हैं आपके, तो उनको मैं एक साइड कर लेता हूं। तो हार्डनेस यानी कठोरता के आधार पर आपने क्या बनाए, समूह बनाए, ओके। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। जी आई सी पुभाऊ, आवाज आ रही है आपको, हैंड रेस करो, आवाज आ रही है तो ठीक है, माइक ले लीजिए अपना जल्दी से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है बेटा? प्रिया मिश्रा। रिया? यस मैम। रिया कौन सी क्लास में है आप? मैम सिक्स्थ। कौन सी क्लास में है? मैम सिक्स्थ। सिक्स्थ में है, ठीक है। चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका? सेकंड चैप्टर चल रहा है, रिवाइज करें। समझ में आया जितना आज पढ़ा? यस मैम। ठीक है, क्या क्या पढ़ा आज के सेशन में? मैम हार्डनेस, हार्डनेस पढ़ी, और सॉफ्टनेस, चलिए सिट डाउन, वेरी गुड रिया। चलिए तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने अपीयरेंस की बात की, ट्रांसपेरेंसी की बात की, और जैसा हमें रिया ने बताया, हार्डनेस की बात हमने यहाँ पर की। इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे एक और बार, और हम आने वाले सेशन में एक और नई प्रॉपर्टी के साथ आएंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।